चिटी भाग 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 बिल्ली क्या हुआ क्या हुआ बिल्ली अब पता चला यार बिल्ले पूरी रात वो खट खट का आवाज कहां से और कैसे आ रहा था अब देख ही लिया है तो अच्छे से देख लो क्योंकि इसके बाद कुछ और देखने लायक बचोगे नहीं हैं है? हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी अरे यार ये अभी भी बफर में ही चल रही है बैंक तक सुरंग खुद चुकी है ना जी हाँ आज तो हम बिना फॉर्म भरे बैंक से पैसे लेकर आएंगे चलिए पुष्पा जी क्या कर रही हो करिश्मा सिंह तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अच्छा होगा कि आप गाड़ी में बैठिए और हम सब आते हैं देखो तुम जो 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 कर रही हो वो ठीक नहीं है सर ज्यादा सोचिए मत ये कुछ भी कर सकती है हम सास इनके हमें पता है ये दोनों यहाँ अंदर क्या कर रहे हैं अरे मैडम जी ये दोनों कूदी मारते मारते अंदर आ गए इन्होंने सब सुरंग वुरंग देख लिया है अब ये दोनों हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है इनका जिंदा रहना भी हमारे लिए डेंजरस है बिल्लू भाई देखो हम दोनों का नाम सेम है आपका बिल्लू मेरा बिल्लू तो हम नाम भाई हो गए ना मुझे छोड़ दो कौन सा सेम नाम हाँ मेरा नाम थोड़ी बिल्लू है मेरा नाम है हरिश्चंद्र अमृत अमृत टपकता है आपके नाम से हमें बाबूजी का नाम भी हरिश्चंद्र प्लीज हमको जाने दीजिए एक मिनट बिल्लू हम इनके जज्बात समझते हैं इन्हें जान से नहीं मारेंगे जज्बात तो है पूरी बात तो सुन लो जी जी जान से नहीं मारेंगे बिल्लू एक काम करो इन दोनों को दीवार में जिंदा चुनवा दो संतु बैठ जाइए गाड़ी में सॉरी बैठी बैठी जल्दी जल्दी यस वेरी गुड चलो मैडम सर आप और मैडम अंदर जाइए हम हैं यहां पे उनको रोक के रखते हैं चलिए हसीना मलिक SHO हसीना मलिक असली वो कहते ना कि कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो एक ना एक दिन कानून के फंदे में फंस जाता है प्लान तो अच्छा बना है तुम सबने मिलकर लेकिन अब तो पकड़ी गई वो कहते हैं ना कि जो कानून की धज्जियां उड़ाता है वो एक दिन जेल के पीछे फड़फड़ाता नजर आता है तुम लोग क्या वावा करने के लिए खड़े हो मारो इसे हमारा नाम लेके हम ही पे रोब जमा रही थी ना अब तुमको दिखाते हैं असली करिश्मा का असली भौकाल
अमां तुम्हारा घुसन भी तुम्हारी तरह नकली है। संतोष ले। अमाओ, हमको पुष्पा नाम से ना वैसी बहुत एलर्जी और नाम सुनते ही गुस्सा भी बहुत आता है, तो असली पुष्पा का गुस्सा तुम पे ना निकल जाए, इससे अच्छा होगा कि तुम शांत बैठी रहो यहाँ पे। चलो नकली पुष्पा तो समझदार है। तो चले यहाँ वाला, या ये खेल और खेलना है? बस इतने में ही, हमें लगा नहीं था कि आप इतनी डरपोक है। मैडम सर, आज तो इससे निपट ही लीजिए आप। नहीं नहीं, पहले आप। नहीं नहीं मैडम सर, पहले आप। अच्छा ठीक है, इनके साथ तो वैसे भी हमारा बनता है। सर, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, यू आर नॉट अलाउड सर। अरे अरे अरे, आपने सुना ना संतोष क्या कह रही है? इस बार हमें माफ कर दीजिए,
हम आपके लिए बढ़िया से राजमा चावल बना के लेके आएंगे। हाँ देखिए, आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। पुष्पा जी, खाता है क्या? अभी बारिश कहाँ होगी संतू? बारिश नहीं, धूप, फिर आपकी तरह बन जाऊंगी ना मैं। हाँ हाँ, वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है। सुन ना, अंदर एसी ऑन था ना? हाँ सर, आपको हम पर भरोसा नहीं है ना? अरे कैसे भरोसा होगा, इतना सब कुछ होने के बाद भरोसा होगा क्या? चलिए अंदर चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि क्या हो रहा है। चलिए चलिए सर, सर चलिए, आइए आइए सर। सॉरी हाँ, चलिए चलिए चलिए, हाँ उस तरफ फटाफट लगा ऊंची। हाँ एकदम गोरे बिल्लू, गोरे बिल्लू यार, देख लो यार, कुछ छोड़ दो यार। मेरा तो हमेशा सपना था कि मैं खुद किसी को जिंदा चुनवाऊं, आज मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। माय टर्न। अरे पहली बार ये कनीजा कनीज की मौत मर रहा है। अरे मैंने इतनी चोरियां की, इतने पॉकेट मारे, लेकिन इतनी बड़ी सजा नहीं मिली। आज इस पुलिस का साथ दे रहा हूँ तो इतनी बड़ी सजा। एक मिनट, तू चोर है? हाँ चोर है, मुझे छोड़ दो। और चोर होके तू पुलिस का साथ दे रहा है? तूने तो पूरी चोर बिरादरी को कलंक लगा दिया है। तुम्हें तो चुनवा के ही मारना चाहिए। चल लगा। चिते तुम्हारा टर्न। आइए 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 सर, देखिए ये, देखिए ये नकली हसीना और उसकी लुटेरों की टीम। पीछे चलो, पीछे, मुझे जाने दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। चलो देखो आगे बताओ, मैं गोली चला दूंगी, मैं गोली चला दूंगी। मैडम सर, मैडम सर ये क्या कर रही हैं आप? चलो मैं कह रही हूँ गोली चला दूंगी। बस करना, और कितनी दीवार ऊंची करेगा? तुम सब नकली हो तो ये दीवार भी नकली लगा लो ना। बंद कर। हमें पता था जिसका सब कुछ नकली हो उसकी बंदूक और गोलियां असली कैसे हो सकती हैं? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है अब रानी, तुम्हें हमारे डरपोक होने की तसल्ली हो गई हो तो अब चले। इसको बोलते हैं करिश्मा। तुम कहाँ जा रहे हो बे? तुम तो मेहमान हो हमारे, तुम्हारा खातिरदारी ना अब हम करेंगे अच्छे से। चल मेरा नाम रानी है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम किया। तुमने सिर्फ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस तेज दिमाग का भी किया है। उन मासूम लोगों के डर का फायदा उठाया तुमने, जो किसी भी बड़े ऑफिसर से या किसी भी बड़े आदमी से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगने में कतराते हैं। अगर वो लोग हिम्मत करते ना और अपने हक का इस्तेमाल करके तुम्हारा ये मास्क उतारते तो तुम्हारा ये झूठा मकौटा है ना वो भी उतर जाता। अब तो आपको पता चल गया ना सर ये सब हमने क्यों किया। Yes, of course. मिस हसीना मलिक, हमें आप पर गर्व है, आपने अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया और डिपार्टमेंट पे लगे धब्बे को भी हटाया। सही बात है सर,
पूरा केस जो है मैडम सर ने अकेले सॉल्व किया है। हम तो वहां बैठ के भुना चना खा रहे थे। सर दरअसल सच तो यह है कि हमारी टीम के बिना और खास तौर पर करिश्मा सिंह के बिना हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाते। करिश्मा सिंह जी सर, क्या हम सब जानते हैं अब समय आ गया है कि करिश्मा सिंह को प्रमोट किया जाए। आज इसी समय इसी थाने में करिश्मा सिंह को SHO की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। क्या क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू सर। बताइए कौन से थाने में जाना है? नहीं, इसी थाने में रहना है। मतलब मैडम सर का किसी और थाने में ट्रांसफर हो रहा है? मैडम सर भी इसी थाने में रहेंगी, आप टेम्परेरी SHO रहेंगी और आप हसीना मलिक से सीखेंगी कि SHO थाने को कैसे चलाता है। इस थाने में अब से दो दो SHO होंगे। तो मतलब करिश्मा मैडम और हसीना मैडम दोनों एक ही पोस्ट पर, तब तो लात और जज्बा दोनों की बराबर की टक्कर होगी। तो हमारी खैर नहीं, हमारी खैर नहीं। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जय हिंद। नई SHO साहिबा, मतलब कि नई मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की SHO बनने की खुशी में आपको भर भर के ट्रक भर भर के बधाई हो मैडम, स्वीकार कीजिए आप। अरे चीता, दिन का पहला बधाई दिए हो तुम, धन्यवाद। अरे मैडम हम का बताएं, मतलब आप जिस लेवल के ऑफिसर है ना, मतलब जैसी ठोस जैसी जबरदस्त जैसी चट्टान जैसी ऑफिसर है ना आप। अरे अभी तक तो आपको कमिश्नर बन जाना चाहिए था। ये जो है मैडम, ये सब छोटा मोटा अचीवमेंट है आपके लिए। अमा तुम अब बकैती बंद करो और हमारा बात ढंग से सुनो। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में एक ही मैडम सर है और वो हम नहीं है। अमा टेम्पररी बने हैं, जिस दिन परमानेंट बनेंगे ना और खुद का थाना खुद के तरीका से हम चलाएंगे, उस दिन शान से मैडम सर कहलवाएंगे तुमसे। मैडम मैडम, ये जो आप बात बोली है ना, हमारे दिल में ना मतलब आपके लिए रेस्पेक्ट ना 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। इतना अच्छा बात मतलब बहुत बहुत अच्छा बात बोली, मैं बहुत इज्जत हो बढ़ गया आपको, पैर छू ले हम आपका मैडम। अम्मा तुम ये गुड़ बनना बंद करो, ओवर ही कर देते हो कसम से। सॉरी सॉरी मैडम सर, मतलब की करिश्मा मैडम, सॉरी सॉरी। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम सब मरे जा रहे हो हमको बधाई देने के लिए, लेकिन हमारा बात सुनो, कोई रंगबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सबके कान में ये बात डाल दो हमारे वहाँ आने से पहले, समझ गए? वरना हमारा भौकाल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैडम। Excuse me. जी जी, क्या ये बिल्लू?
पुष्पा जी, लॉकडाउन में हमारा चोरी का धंधा एकदम से लॉक हो गया, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो चोरी कैसे करे? इसीलिए मैंने सोचा कि ईमानदारी का धंधा करे, और वो भी कौन सा, पॉलिसी एजेंट का। बस आपका सहयोग चाहिए। बताइए क्या सहयोग चाहिए? बताते पुष्पा जी, ये जो बुढ़ापा है ना, बहुत ही खतरनाक होता दिख रहा है। बच्चे ठीक हो तो मौज है, और ठीक नहीं हो तो बुढ़ापा एक बोझ है। आजकल के बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा जी, आप आईना तो देखती होंगी। ये देखिए, भगवान भी आपसे दो तीन दिन ही बड़े होंगे। रख रख अंदर रख। पुष्पा जी, ये बुढ़ापा ना एक चिंता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए आप हमारी पॉलिसी ले लीजिए, ये ओल्ड एज पॉलिसी। बस बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बेचने आए, अभी हमारी उम्र ही क्या है। सारे इतवार और बैंक हॉलीडेज अगर निकाल लो तो 35 से एक साल भी ज्यादा ना होगी। हाँ, अभी हमारे रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। टाइम ही नहीं है, कब टाइम आगे बढ़ सकता है वो पता नहीं सकती। जय हिंद नहीं ऐसे जो करिश्मा मैडम जी। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद नहीं ऐसे जो करिश्मा मैडम। जय हिंद संतोष। तो पुष्पा जी, ओल्ड एज पॉलिसी ले रहे हैं ना? एक मिनट, ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ पुष्पा जी, आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ हाँ, जरूरत भी तो है। बताएंगी क्यों? क्योंकि हम बेच रहे हैं। आप पॉलिसी ले रही हैं? क्यों ना ले, अरे आजकल के बच्चों का भरोसा ही नहीं रख सकते। अब इनके बेटे ने इनको बेटा क्यों, आपके बहू ने आपको घर से बेघर कर दिया, एक आवारा कुत्ते की तरह धुतकार दिया, दो जोड़ी कपड़ों पे ही आपको घर से लात मार कर निकाल दिया, तो इस लावारी जिंदगी का कौन सहारा है? एक ही सहारा है, ये हमारी ओल्ड एज पॉलिसी। लीजिए, भरिए और साइन कीजिए। बिल्ला। हाँ पुष्पा जी, भरोसा उठ गया आपका अपने बच्चों पर से? नहीं, मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। लगता है पुष्पा जी का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। ओल्ड एज पॉलिसी, पुष्पा जी आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? नहीं, मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। वाह पुष्पा जी वाह, क्या तगड़ी बात कही आपने, एकदम भरोसा ही उड़ गया ना आपका बच्चों से। पुष्पा जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आपका लल्ला थोड़ी ना ऐसा करेगा, आपका लल्ला थोड़ी ना अपनी बूढ़ी माँ को घर से धक्के मार कर सड़क पर भूखा छोड़कर आवारा कुत्ते की तरह लावारी जिंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा। सो डोंट वरी, चिल। चलो चलो बाहर, चलो निकलो निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो, बहुत कर लिया आपने लल्ला लल्ला, अब उठाओ अपना मैला थैला और चलते बनो यहाँ से। चलिए ऐसे मत करो बहू रानी, कुछ तो भगवान का खौफ खाओ। अम्मा जब घर में खाने को कबाब बिरयानी हो तो हम खौफ काए खाएं। बहुत हुआ मदर इंडिया की एक्टिंग, अब कटो यहाँ से, जाइए। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बहू रानी, जाइए। ऐसे मत करो बहू रानी, ऐसे मत करो। नहीं लल्ला, संतु तुम हमें सांत्वना दे रही हो कि डरा रही हो? पुष्पा जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉलिसी लेना जरूरी है। तो जी कहिए, हम यहाँ के नए SHO है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो हमारा पर्स चोरी हो गया है। जी आंटी जी, बताइए आपका पर्स कहाँ से चोरी हुआ है? चंदन सिनेमा के बाहर से। चंदन सिनेमा? सिनेमास खुल गए? नहीं नहीं, कहाँ, अभी कहाँ खुले हैं?
और चंदन सिनेमा तो बंद हुए काफी साल हो गए। ना ना, अभी नई फिल्म तो लगी है, आन मिलो सजना। वो सिनेमा देख के बाहर आए तो पर्स चोरी हो गया। माता जी जरा कोशिश कीजिए और दिमाग पर जोर डाल के याद कीजिए कि आप कौन सा सिनेमा देखने गई थी। हाँ, कौन सा क्या सिनेमा? सिनेमा सिनेमा आपके दादी के उम्र के हैं हम, और मैं सिनेमा लेके जाने की बात करते हो? आप तो निहायत ही घटिया बदतमीज और आवारा किस्म के इंसान हो। पुष्पा जी, ओ माँ, मुझे लगता है पर्स के साथ साथ इनका दिमाग भी चोरी हो गया है। अभी बताए ना, रिगल सिनेमा गए थे, अब क्या बारिश में शोले देखने चले जाए? शोले? हमें लगता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है और ये गलती से भटकते हुए यहाँ आ गई। जय हिंद मैम सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद नई SHO करिश्मा सिंह, इस नए सफर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू मैडम सर। देखिए इनके पास से अगर कुछ भी मिले, आइडेंटिफिकेशन, कोई कार्ड, एनीथिंग, हमें लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा, शायद ये अपना नाम भी भूल गए हैं। माँ जी, आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ किस काम से आई थी? ये बेटिया, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? एकदम सूखे कांटे की तरह हो गई हो? 100 बार ना, मतलब माँ जी, अम्मा जी, हम बताएं, दिन में 100 बार हम इनको बोलते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखिए, देखिए कैसे सूख के कांटा होती जा रही, लेकिन हमारा सुनते नहीं। माँ आप समझाइए। झूठ बोलता है। देखो हम तुम्हारी दादी की उम्र के हैं, इसलिए कह रहे हैं अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। बीवी? अरे माता जी, मासूमियत में भूल गए। माता जी बस आपका आ गया ना सर आंखों पर, आज के बाद से संतु जी को ना अपना पलकों पर बैठा के रखेंगे। देखिए डबल कसम खा के बोल रहे हैं, आप खाली अपना आशीर्वाद बने। संतु जी आशीर्वाद दीजिए। चीता। सॉरी मैडम सर, हम तो ऐसे ही कुछ। देखा पुष्पा जी, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है, देखो ऐसा होता है बुढ़ापे में, इसीलिए कहता हूँ मेरी पॉलिसी ले लो, साइन करो। बिल्लू, लगता है तुम्हारा ये जो बिल्लू निवास है ना, इससे तुम्हारा मन हट गया है। आपको बुरा लगा तो सॉरी करिश्मा मैडम, द न्यू SHO। मैडम सर, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। आंटी जी, आप एक बार शांति से आराम से एक बार बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे, हाँ आराम से बैठिए। करिश्मा सिंह, आप क्या करने वाली हैं? मैडम सर एक मिनट बस। आंटी जी, बाहर लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हो गया है बबलू और गुड़िया को लेके, तो कांड में फंसते जा रहे हैं वो, तो आप हमें बताइए कि बबलू गुड़िया कहाँ है, तो हम जो है ना उनको कांड से बाहर निकाल दें। बबलू गुड़िया कौन है? हम किसी बबलू गुड़िया को नहीं जानते। अच्छा, तो पप्पू पिंकी? पप्पू पिंकी कहाँ है? मुझे लगता है पुष्पा जी की करिश्मा मैडम की आताश भी। देखिए आंटी जी, आप इतना टाइम बर्बाद करेंगी ना तो वो दोनों और कांड में फंस जाएंगे, फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। आप याद कीजिए, पप्पू पिंकी को भी नहीं जानते। हाँ तो फिर चिंटू चिंकी? छोटू? हमारे छोटू को क्या हुआ? छोटू का नाम क्या है? अजय सिंह। और आपका नाम क्या है? सावित्री। हम सावित्री है, छोटू की माँ। आप सावित्री जी, आप रहती कहां पर है? 2/423 हुसैनाबाद, हनुमान मंदिर के सामने। बताइए ना क्या हुआ हमारे छोटू को,
वो ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी, आपका छोटू एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन मत लीजिए। इनके बेटे का नाम अजय सिंह है। आपको कैसे पता वो उनका बेटा है? नहीं नहीं, हमको पता नहीं था पुष्पा जी, लेकिन इनके हाथ पे देखिए छोटू का टैटू है। और माँ अक्सर अपने बच्चे को ही छोटू बुलाती है ना? हाँ, छोटू नाम का पति अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर अपने बच्चे का ही टैटू करवाएगी। हमने ऐसा आइडिया लगाया कि शायद ये अपने बच्चे को छोटू बुलाती है तो इनके बेटे का नाम इसलिए अजय सिंह हुआ। और एक बात तो हमने आपसे सीखी है ना पुष्पा जी, कि माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने लल्ला को नहीं भूल सकती। बहुत खूब करिश्मा सिंह, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इस मसले को आधा तो सुलझा ही दिया। थैंक यू मैडम सर। अब बस ये पता लगाना है कि इनकी हालत ऐसे कब और क्यों हुई। चाय 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 चाय। अरे वाह, ये लीजिए बदनाम स्पेशल इलायची वाली चाय। लीजिए करिश्मा सिंह, इस थाने की नई SHO, पहले आप चाय पीजिए। नहीं नहीं मैडम सर, हम तो टेम्पररी है, आप परमानेंट है, पहले आप पीजिए। करिश्मा सिंह, आपकी वजह से इस केस में ब्रेक थ्रू मिला है, इसलिए पहले आप। नहीं नहीं मैडम सर, प्लीज आप पीजिए। पहले आप? नहीं, पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए मैडम सर, प्लीज पहले आप। ठंडी कर रहा हूं मैं, गर्म है ना? रख इसे, रख। और तुम टोपा होगा, तुमको पता नहीं है दो SHO है? हाँ, जो एक ही लेकर आयो कप। आएगा अगर दो SHO एक पहले चाय पियेंगे ना तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ये चाय कोई नहीं पिएगा। अच्छा तो ठीक है फिर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम थाने में चाय नहीं पियेंगे। हाँ, और तब तक हम में से कोई भी चाय नहीं पिएगा। जी जी, आपकी माँ है? माँ? लल्ला माँ। माजी, कहाँ चली गई थी आप? कहाँ कहाँ ढूंढा हमने आपको, कहाँ थी आप? आप ठीक तो है ना? जी, इन्हें भूलने की आदत है, अक्सर बिना बताए चली जाती है। हाँ। और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं। हाँ हाँ, आज भी पता नहीं ये कहाँ चली गई, कब निकल गई, पता ही नहीं चला। जी धन्यवाद। धन्यवाद, आते रहिए जी, ध्यान रखिएगा। चलिए माँ। मैडम आप मानती ही नहीं ना, देखिए ना कितना ज्यादा ब्रिलियंट है संतू जी, कितना अच्छा हुआ ना कि ये वाला वीडियो हमको भेज दी, लेकिन इसी वीडियो के साथ एक दिल वाला इमोटिकॉन भेज देते ना तो पूरा रात हम इतना खुश रहते। पूरा टोपा का टोपा ही रहोगे ना, नहीं सुधरोगे, कसम खाया तुमने। काम का बात करोगे? कर रहे हैं, कर। माँ। लल्ला। माजी? देख रही मैडम, मैडम देख रही, देख रही, ये देखिए जो बहू है पुलिस वाला को देखिए तो इसके चेहरा का हाव भाव देख रही हैं आप, कैसे कर ली नकली। ये देखिए मैडम सर, बहू का अपने सास के लिए प्यार, कितना कसके गले लगा रही है। कुछ ज्यादा ही कसके गले लगाया है। मैं समझी नहीं मैडम सर। एक बात बताओ चीता, तुमको तुम्हारी अम्मा अगर कुछ गलती करती है या फिर बीमार हालत में सैर सपाटा के लिए चली जाती है तो तुम क्या करोगे, उनको कस के गले लगाओगे या फिर उनसे झगड़ा करोगे? मैडम हम गले तो लगाएंगे, लेकिन अगर इस सैर सपाटा के चक्कर में उसके जान पर बनाया ना तो पहले मिलेगी तो खूब सुनाएंगे उसको, बोलेंगे डांटेंगे कि काहे गए थे तुम बाहर, ये सब गलत काम है। एग्जैक्टली, जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो उनके इस तरह की लापरवाही करने पर हम उन्हें डांटते भी हैं। लेकिन ये देखो, यहाँ पर ना बेटे ने ना बहू ने किसी ने भी माँ को कुछ नहीं कहा, एक बार ना डांटा ना टोका, कुछ भी नहीं, उल्टा इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं जो बनावटी लग रहा है। बात तो सही है। नजर रखो चीता, इस परिवार पर नजर रखो। जी मैडम।
ये क्या कर रहे हो बे? गर्म गर्म चाय लाए हैं आपके लिए, चुपचाप मार लीजिए। हम वादा करते हैं इसको फिर से भर देंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं। मार लीजिए एकदम, मारिए 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 मैडम, मारिए मारिए। मुंह को नहला दे सम, चाय का बात नहीं है, केस सॉल्व करने का बात है। तो बात नहीं कही के टेम्पररी ही सही, लेकिन बात है हमारे SHO होने के भौकाल का। सुनना भी अलाउड नहीं है, तुम ना चलते बनो। सॉरी। लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे क्या बोल रहा है? सॉरी यार, तू यहाँ क्या कर रहा है चीते? संतु जी आप यहाँ पर अकेले आ रही थी, हम कैसे आपका फिकर हो गया संतु जी, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए हम यहाँ पर चले आए। चीते तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हमको यहाँ पर करिश्मा मैडम भेजी थी, हम आपके लिए नहीं आए थे यहाँ पर। लगाई था, मुझे लगाई था दाल में जरूर कुछ काला है। अरे रुकिए ना आंटी जी, रुकिए ना। अरे आंटी जी, आंटी जी मेरे भी कपड़े लेके जाइए ना धोबी के पास। हाँ बेटा लेके आओ, हम यही रुकते हैं। हाँ लाता हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैडम, जब से मकान बेटे के नाम किया है बहू घर से निकाल देती है, कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर मोहल्ले वाले अपना अपना काम कराते रहते हैं। कैसा एक नंबर औलाद है ये, ले लीजिए। लाओ बेटा, ठीक से बांधे है ना? हाँ चल। अपनी माँ के साथ जो ऐसा सलूक करता है ना, इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बना है, करिश्मा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट। बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतु जी ताला मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ मैडम, आपको गलत फहमी हुई है कुछ। आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेंटेन करता है तू? हाँ तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? मैडम सर आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बॉडम औलाद की तो हम जब के खातिर दावी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। कहाँ है हमारा छोटू? ओ मैडम जी, कहाँ मार रहा है हमारे छोटू को? छोड़ दो।
हमारे छोटू को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, हम मेहनत करते हैं, छोड़ दीजिए। मैडम रुक जाइए, छोटू को काहे मार रहे हो? करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है मैडम। हम शर्मिंदा है मैडम, हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है, हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। मैं तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रही है? संतोष शर्मा दरवाजा खोली, चाबी अंदर मैडम के पास ही है। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन? हाँ पिन। संतू जल्दी, अम्मा जल्दी थोड़ा। मैडम हमारी गलती क्या है? क्या कर रही हो? बस बहुत हो गया, इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर? और क्या होगा, उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे? कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को, इसका तो अप्पा भी इज्जत देगा इसकी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्पररी SHO हैं और हम परमानेंट, इसलिए अब भी इस थाने में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप पुष्पा, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा देखा, तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है। तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए हसीना जी, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉकअप में नहीं रख सकती, ये इलीगल है। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना मारा है आपको वकील साहब, कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को, और आप चैन मिल गया आपको? क्या साबित करना चाहती हैं आप, क्यों हमारी घर की शांति को भंग कर रही है? हम तो बस यहाँ छोटू की दवाई देने के लिए आए थे, उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना, तो क्या है ना मैडम, बचपन में कूट कूट के बादाम खिलाए उसे, लेकिन दवाई लेना भूल जाता है हमेशा, और हमें कहता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। इनका ये ढोंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि हम ही इनके साथ गलत है, पर सच तो ये है कि हम इन्हें झेलते हैं। कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ऑन कर भूल जाती है। इनकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे हैं हमारे, कई बार चोरी की वारदात हुई है इनकी वजह से। माँ जी बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने। वकील साहब क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? करिश्मा जी, जीते जी मैडम। चलिए माँ जी चलते हैं। सावित्री जी कहीं नहीं जाएंगी आप? आप इन्हें ऐसे यहाँ नहीं रोक सकती। देखा अपनी माँ की गिरफ्तारी का नतीजा, आज तक हमारी पुश्तों ने भी थाने का मुंह नहीं देखा था, पर आज आज इनकी वजह से मुझे इस थाने में आना पड़ा है। मैं बोल रही हूँ कि कल इनको वृद्धाश्रम छोड़ आना, नहीं तो मैं अपने मायके चली। नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़ के। मैडम चुप कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना, आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना, मनाइए उन्हें, हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें वृद्धाश्रम ना भेजिए, हम हमारे छोटू के बगैर नहीं रह सकते, हमें उसे दूर नहीं जाना। हाँ तो माँ जी अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना, हम देखते हैं आपको कौन वृद्धाश्रम लेकर जाता है।
नहीं कर सकते। छोटू है हमारा, कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकती है? मैडम आप ही बताओ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटों को छोड़ के। मैडम कुछ कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। चलिए माँ जी, अब कहाँ हो गया मैडम सर आपको? ऐसे तो आप जज्बात का इतना बड़ा बड़ा बातें करती हैं, आपने सावित्री जी को कैसे जाने दिया? हम आपके सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते, सो गेट बैक टू वर्क। बढ़िया ही पुलिस के पास जाने वाली हमारी कंप्लेंट करने के लिए। कल सुबह वृद्ध आश्रम चले जाओगे ना तो पिंड छूटेगा आपसे हमारा। अब बस कैसे भी ये आज की रात कट जाए। अब हम ऐसे मत देखिए मां, हमारी सर के ऊपर निकल चुका है। हम हमेशा आपकी गलतियों पर पर्दा डालते रहे और आप अपने ही बेटे के खिलाफ थाने चली गई। बस मां बहुत हो गया, अब आपको इस घर से जाना होगा। चलिए। कुछ जिंदगी भी एक ही बर्तन घिसने में निकाल देंगे आप? अम्मा जी कितना काम बचा हुआ है बाहर, झाड़ू पोछा वो कौन करेगा? और नहीं होता तो बोल दीजिए आप चलिए वृद्धाश्रम। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना, हमें यही रहना है तुम्हारे और हमारे लल्ला के साथ अपने घर में। हाँ रहना है ना यहाँ पे, तो फटाफट काम कीजिए। वेरी गुड, कहा है कि ये हमारा घर है और हमको ढीला लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। 5 मिनट के अंदर अंदर सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए। नहीं होगा आपसे अम्मा जी, आपसे नहीं होगा। चलिए वृद्धाश्रम, आप वहीं ठीक रहेंगे। नहीं, छोड़ दो, हमें यहीं रहना है हमारे लल्ला के पास। क्या? अरे और थोड़ी देर ऐसा करते ना तो खंबा उखड़ जाता। पुष्पा जी क्या चक्कर क्या है, क्या बड़बड़ा रहे हो आप? और कहाँ नहीं जाना आपको? ओ अब समझ गया, कहीं सावित्री मौसी का हाल देख के आपको अपने बुढ़ापे का मंजर तो नजर नहीं आ रहा है ना? ओह ये लीजिए ओल्ड एज पॉलिसी फॉर्म, भर दीजिए। हमारा लल्ला उनके बेटे जैसा नालायक थोड़ी है। वो तो कई दिनों से कह रहा था कि अम्मा हम तुम्हें छुट्टियों पे कहीं घुमाने लेके जाएंगे, इसीलिए हम उसको मना कर रहे थे कि हमको कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, तुम जाओ। क्या बात है भैया, पुष्पा जी का शेविंग करने आए हैं आप?
नहीं अगर आप कहेंगी तो कर ही देंगे। अरे नहीं मतलब हम तो बस टाइम पास करने के लिए तो नहीं आए थे, मतलब हम हाँ बिरयानी का ऑर्डर लेने आए थे। अरे हाँ बदनाम भाई पूछ रहे थे अगर चाय चाहिए थी तो भिजवाते बोल तुम। अच्छा मैडम 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 समझ गए, हम सब कुछ समझ गए। हमारे अंदर का महिला मनोवैज्ञानिक कह रहा है ना कि आप ही सोच रही हैं कि SHO बनने के बाद जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक चाय मंगाए कि नहीं मंगाए, है ना मैडम, है ना मैडम। मनोविज्ञान बहुत गलत सोच रहा है, हम केस के बारे में सोच रहे हैं। पर मैडम सर ने तो केस क्लोज कर दिया था। हाँ तो उन्होंने क्लोज कर दिया है, हमारा केस ओपन रहता है जब तक यहाँ से क्लोज नहीं होता है। हाँ पुष्पा जी हम सावित्री जी के घर पर ना नजर रखे थे, सावित्री जी घर पर नहीं है, पता नहीं उनके बेटा भाऊ उनको कहाँ उड़ा के लेकर चले गए। नजर किस पे रखी थी आप, कहीं उनको वृद्धाश्रम तो नहीं छोड़ा है वो लोग? नहीं पुष्पा जी वहाँ पे भी नहीं, हम पता किए हैं। तो फिर क्या किया होगा उन दोनों ने उनके साथ? हेलो। हेलो अजय। हाँ जी बोल रहे हैं। तुम्हारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या आप कौन बोल रहे हैं? 1,00,000 रुपए लेकर आओ और अपनी माँ को ले जाओ। क्या हुआ कौन है? हमारी माँ आपके पास है? सामने बैठी है, बहुत बुरी हालत में है, बहुत तकलीफ में है, पता नहीं कब तक झेल पाएंगी ये तकलीफ। 5 मिनट बाद फिर से फोन करेंगे और बताएंगे कि पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं। लेकिन भाई छोटू के बाबूजी लाया करते थे हमारे लिए रसगुल्ले हर इतवार को चोमू हलवाई से। उनके देहांत के बाद किसी को याद ही नहीं रहा कि हमें रसगुल्ले पसंद है। लाओ मंगवाते हैं। तो सुनो कि 1,00,000 रुपए अब कहां और कैसे पहुंचाने हैं। देखिए भाई साहब आपने गलत जगह फोन मिला दिया है, हमारी कोई माँ नहीं है, हमारी कोई माँ है ही नहीं, आपने किसी गलत औरत को पकड़ा है। फोन रखो और आज के बाद भूलकर भी यहाँ फोन करने की भूल मत करना। पता नहीं किसकी माँ हमारे पल्ले बांध रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, रखिए फोन। वाह क्या सही वक्त पे आए हैं। क्या ना हमारे यहाँ स्पेशल बिरयानी बनी थी तो सोचा आप लोगों को भी टेस्ट कराया जाए। लीजिए। एक बार हाँ सुनो, अपना दुकान के बाहर ना ये फोटो लगा देना, और ऐसी जगह फोटो लगाना कि तुम्हारे तांबे के बाल से पहले ये फोटो दिखाई दे, समझ गए? चीता ये फोटो का प्रिंट आउट निकालो, एक बाल को दो और सारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म में हमको ये फोटो चाहिए। अब इसके लिए तुम चड्डे का मदद लो या किसी काले चोर का, हमको फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? जी मैडम। खाइए सब लोग खाना। आप बैठिए मैडम।
हमको भूख नहीं लग रहा है। किसको भूख लगा है मैडम? सबका वही हाल है, भूख प्यास सब कुछ छुड़ा हुआ। आँख के सामने ना बस सावित्री देवी का चेहरा घूम रहा है। सही कह रहे हो चीते, मैडम सर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सावित्री जी को उनके बेटा बहू के साथ बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। गलत किया मैडम सर ने। मतलब हम नाकाबिल हैं? बैठी बैठी आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें इतनी भी काबिलियत नहीं कि हम सही समय पर सही फैसला ले सके। चलिए आप सबको कुछ दिखाना है, चलिए आइए आइए। मैडम सर ये सब क्या है? बताते बैठिए बैठिए बैठिए। आ गए सब लोग? भूख लगी होगी ना? आज मैंने अपने हाथों से आप सबके लिए खाना बनाया है। बहुत सालों बाद बस लेके आती हूँ, गरम गरम रोटी आ रही है। रुको। मैडम सर ये कहाँ चल रहा है? हमें इनके बेटा और बहू पर उसी दिन शक हो गया था जब हमने इनका वीडियो देखा। वीडियो में दोनों बेटा बहू माँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्यार छिड़का रहे हैं। फिर भी हमारे लिए इस बात की तस्दीक करना बहुत जरूरी था कि उनका बेटा वाकई में वैसा है जैसा हम सोच रहे हैं या नहीं। माँ को बच्चों के साथ घर वापस भेजना यही जानने की स्कीम थी। जब तक सावित्री जी का घर अजय के नाम नहीं हुआ था तब तक दोनों को मजबूरन अपनी माँ की सेवा करनी पड़ रही थी। फिर उन्होंने ये माँ को वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग शुरू की। और तो और माँ के किडनैप हो जाने की खबर सुनकर भी उन पे कोई असर नहीं हुआ। जब इतना घटिया ही है उनका बेटा तो इतना अच्छा बेटा होने का नाटक काय कर रहा है कि ड्रामा करने का क्या जरूरत है कि वो अपने माँ से इतना प्यार करता है। मजबूरी करिश्मा सिंह, मजबूरी जो कराए सो कम। वेलफेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन 2007 एक्ट के बारे में अजय बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि माँ को परेशान करने वाली बात अगर दुनिया के सामने आ गई तो वो जेल भी जा सकता है। इसीलिए तो ये प्यार का ढोंग करना, ये सारा नाटक करना बहुत जरूरी था ताकि मौका आने पर ये सारी चीजें उसके हक में खड़ी हो सके। तो फिर मैडम सर देरी किस बात का है? पकड़ के लाते हैं उस कलयुगी कपूत को और बताते हैं जो अपनी माँ का अनादर करता है ना उसका क्या हाल होता है। कानूनन हम ऐसा नहीं कर सकते करिश्मा सिंह। सावित्री जी अपने बेटे के खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखाना चाहती। उनका कहना है कि जैसा भी है उनका बेटा है। इसी अंधे प्यार का तो फायदा उठाते हैं ये अजय जैसे घटिया लोग। अपने माँ बाप के साथ वो जैसा भी बर्ताव कर ले, लेकिन माँ बाप एक नाखून तक उखड़ने नहीं देते हैं। चांद करिश्मा सिंह, हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं और अब हम जो करना चाहते हैं उसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक बार प्लान सुन लीजिए, अगर अच्छा लगे तो दीजिए हमारा साथ। प्लान कहाँ है मैडम सर? हम दोनों सावित्री जी के घर इनके बेटे बहू के पास जाएंगे और खुद को सावित्री जी की दूर की बहन बताएंगे। मकसद होगा इनके बेटे अजय को एहसास दिलाना कि वो अपनी माँ के साथ कितना गलत कर रहा है। ये सब होना चाहिए सावित्री जी के मान सम्मान के साथ। जाओ। अरे और हाँ, सबके सामने दुख होना है समझे?
कौन है? रो ये क्या कर रहा छोरे, हम तो ठीक से पहुंचे ना और तू जा रहा? जी आप? रे छोरो, हमें ना पहचाना? अरे जिनकी पहचान से पूरा कुनबा जाना जाए तूने उन्हें ना पहचाना? अरे चुप की, हमें ना पहचाना? छोड़ बड़ी, था भी तो कितना छोटा सा जब आखिरी बार देखा था। हट मन ने याद दिलाने दे इसको, इसको देखना ऐसे झट से याद आ जावे है अभी ये। धन्नो मौसी, शन्नो मौसी, बचपन में ऐसी मार के भाग जाया करता था ना पावड़ो छोरो, तन्ने याद कोनी? खड़े खड़े सकल का देख रहा आके पैर छू, शहर आके सब भूल गया? इब मुंह का ताक रहा है, जाके पैर छू, पैर छू। अरे रे कल्ला कल्ला छुएगा? अरे काम वाली बाई के इतने अच्छे कपड़े दे। पत्नी लुगाई, अरे तारी कमर रखड़ दी पैर छूने में? अरे गांव में ना सिखाए बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना। अरे आप दोनों है कौन? अब मारे से के पूछ गए बावड़ी छोरी, अब इससे पूछ हम कौन है? अरे हम क्या बताएंगे, हमें खुद नहीं पता है कि ये लोग कौन है। कितनी बार बताएगी छुटकी, थारे समझ ना आ रहा? मौसी एम तेरी बड़ी मौसी, सावित्री की बड़ी बहने, थारी बड़ी माँ। सकल का देख रहा पैर छू। देखिए आप लोग, छोड़ बड़ी छोड़, मारे को लग रहा है हम गलत घर में आ गए हो है। ये मारी सावित्री का घर देखो कोनी, और ये बावरो छोरो, ये मारी सावित्री का छोरा कोई ना होवे, धन्नो मौसी और शन्नो मौसी याद ना होवे। चलो यहाँ से। बात तो घनी ठीक कह रही तू, चन्नो जरा बात सुन। धन्नो, धन्नो शन्नो की बात तो सुन। हाँ, 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 हाँ। देख हम आए थे, है कौन? हमारे मरे हुए बाबू जी की जायदाद का बंटवारा करने। हाँ। सावित्री के हिस्से में जो आया वो हम यहाँ देने आए थे। हाँ। उसमें तो कितने सारे खेत थे, कई एकड़ जमीन से लाखों के जवाहरात, अरे दो दुकानें भी थी, तीन मकान से, फार्म हाउस, कोठी, अरे झूठी कोठी मारी से। अरे बड़ी थारी याददाश्त को किसकी नजर लग गई, और कोठी तो सावित्री की होवे है। सावित्री की होवे या बावड़ी पूछ की ना होवे? जो सावित्री का होवे है वो बावड़ी पूछ का भी तो होवे है। पर ये बावड़ी पूछ तो हमें ही ना पहचान रहा। पहचान लिया। हाँ पहचान लिया। अरे पहचान लिया, आओ आओ पैर छुआओ। चलो चलो सामान निकालो गाड़ी में से, हमें हमारी बहन सावित्री से मिलना है। वो तो सत्संग में गई है वो। हाँ वो बचपन से ही सत्संग में जाती है। वो इसी वक्त रोज सत्संग पे जाती है। बस आती होंगी। आती क्यों होंगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। हाँ, 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 बताता हूँ, धन्नो मौसी शन्नो मौसी आई है। हाँ, 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 सारी लगाई के रोटी बनाना। हाँ, हाँ, मौसी आई आई आई। मौसी क्या होया टकले बेटा, क्या होया? इतने ढेर सारे जेवर पहन के कहाँ घूम रही हो, हमें दे दो, काम आएंगे हमारे। ना जैसी दिखे वैसी है ना, बहुत मारेगी। अच्छा हमें मारेगी? देख
ये कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। बड़ी अब बढ़िया लाग रहे हैं मन में। चले अंदर। हाँ, चलिए। मैडम। चांद 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 क्या हो गया? क्या हुआ? अम्मा किडनैप हो गई हैं। आपको कैसे पता किडनैप हो गई? जी वो फिरौती के लिए फोन आया था। फोन आया था फिरौती के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा। कब कब हुई किडनैप? जी कल। कल? अरे यार, और आज तुम चले आए रिपोर्ट लिखवाने? अभी थोड़ा इंतजार करो, फिर कभी मौका मिले तो लिखवा देना रिपोर्ट। और आज ही आ गया? जी हमें लगा कि कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? ऐसी बात में कभी कोई मजाक करता है क्या? देखिए हमसे बहुत बड़ी गलती होगी मैडम, हमें बस आप हमारी अम्मा से मिलवा दो, हमें उनकी जरूरत है। मतलब माँ की जरूरत किसे नहीं होती मैडम। हाँ जी। एक मिनट, सीक्रेट बात पीछे पीछे। हमें पता है क्यों जरूरत है, माँ से जायदाद जो मिलने वाली है। पुष्पा जी थोड़ा और। सही कह रही हैं आप। देखिए ऐसे केसेस में ना वक्त बहुत लगता है। बहुत ज्यादा, 15-20 साल। थोड़ा कम, थोड़ा सा। हाँ देखा, बहुत आसान है दही भल्ले बनाना। अच्छा। हमने क्या किया? अरे लगता है फिर से भूल गई। हमने ये मिश्रण लिया। अरे याद आ गया। ये तेल में डाला, ये बड़े तैयार हो गए अपने। बस अब बड़ों को पानी में डालेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो इंसान ऐसे मिलते मिलते मिलता है। हा? और कभी कभी तो मिलता भी नहीं। कैसी बात कर रही है मैडम आप? अब अगर हमारी अम्मा हमें नहीं मिली तो हमें भी कुछ नहीं मिलेगा। हमारा मतलब है कि हम एक पल भी हमारी अम्मा के बिना नहीं रह सकते। अब प्लीज उन्हें जल्दी ढूंढिए, प्लीज। ये तो हमारे छोटू की आवाज़ है। अरे ये कहाँ छोटू, ये तो मोटू है। अम्मा जी, अम्मा, अम्मा जी, छोटू, हमारा छोटू। अम्मा, हमारा छोटू आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है अम्मा कि तुम ठीक हो। एक काम दिए थे तुमको, 5 मिनट और पकड़ के नहीं रह सकते थे इनको? अरे नहीं नहीं, वो दही भल्ले क्या मस्त बनाए, वो खाने के ध्यान में भल्ले के चक्कर में कर दिए ना सब मटिया मैन। हमने कहा था ना आपसे, हमारा छोटू हमें लेने आएगा। देखो आ गया हमारा छोटू। हमें पता था वो हमारे बगैर नहीं रह सकता, हमें लेके जाएगा। और आप भी कमाल करती हैं मैडम, आपने कहा था कि किडनैप हुए लोग आसानी से नहीं मिलते, और हमारी अम्मा अंदर ही थी। मतलब हमारे कहने का मतलब ये था कि ऐसे मिलते मिलते मिला हुआ इंसान ऐसे हवाले नहीं कर सकते, ऐसे आ रहे थे हम। हाँ। एक मिनट, आपको समझ नहीं आता? यहाँ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है, फॉर्मेलिटीज होती है, हम तो कुछ भी बोले। अजय भाई इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए जरा। इधर डरिए मत, फॉर्मेलिटी का क्या है, क्या है फॉर्मेलिटी का, आप तो घर के आदमी है। फिलहाल हसीना मैडम और करिश्मा मैडम आपके घर में आपकी बहनें बनकर रुकी हुई है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके छोटू को भी नहीं। हाँ क्या है ना, वरना सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। हाँ कौन मैडम? हसीना कौन? हाय भगवान, कोई नहीं कोई नहीं, सब भूल जाए कोई। हाँ जाइए जाइए जाइए, माता जी को लेकर जाइए, अपने ख्याल रखिएगा उनका। जाइए, चलो। थैंक यू, चलते हैं। हाँ आना घर। हाँ हाँ, खाना खाने आ जाएंगे। अम्मा जी दही बल्ले। मौसी जी पकौड़े कैसे हैं? गरम है। माँ जी सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। माँ जी, मैं अपनी माँ जी। सावित्री जी यहाँ कैसे? कहीं हमारा प्लान खराब ना कर दे। आपको नहीं पता मुझे आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। क्या होया बहुरानी, अपनी सास से ऐसे बगलगीर होके मिल रही जैसे सास सत्संग से ना वापस आई हो, अगवा होकर वापस आई हो।
मेरा मतलब है कि सासू माँ थोड़ी देर के लिए भी मुझसे दूर होती है ना तो ऐसा लगता है जैसे सदियां बीत गई है और हम दोनों का रिश्ता ही इतना अच्छा है ना माँ। अरे हट पीछे, मारी लाडली मारी बहना, आप कितना रस गई थी तुझे देखने को, तो अच्छा लग रहे हो कितना अच्छा है तन्ने में याद को नहीं मारे को तो वैसे लग रही है जैसे थोड़ी मोटी हो गई थोड़ी मारी लाड। ये कौन है, है? अरे छोटी हम तो सही सुनिया, इसको तो भूलने की बीमारी हो गई। अरे लाडली हमें ना पहचाना, हम थारी बड़ी बहन धन्नो शन्नो। धन्नो शन्नो हमें ना पहचान रही। माफ कीजिएगा, वो आपने बिल्कुल सही पहचाना था, अम्मा को भूलने की आदत है। अरे तो क्या हो गया, हमारी लाडली सब कुछ भूल सके लेकिन रसगुल्ले ना भूल सके। हाँ चोरी, हाँ वो हाल ही में मुझे किसी ने रसगुल्ले खिलाए थे। तब बेटे ने खिलाए होंगे छोटू ने, अपनी माँ से इतना प्यार जो करता है। छोरो ए बाबरी छोरी, सास के लिए कुछ पकवान हो जाए। हाँ हाँ बताइए ना क्या खाएंगे आप। मारे से क्या पूछ रही है, मालकिन तो यो है ना। हाँ हाँ यही है तो पूछ फिर। अब बताइए ना माँ जी क्या खाएंगी आप। हाँ क्या खाओगी अम्मा। अरे बोल बोल जो खाना दिल खोल के बोल। पूरी भाजी, जो हमारी जलेबी, रसगुल्ला, खीर, श्रीखंड और पिज्जा, उत्तप्पा। सावित्री जी को उनकी इज्जत और हक वापस दिलवा कर रहेंगे। कुछ भी कहो मैडम सर, मजो आ गया। करिश्मा सिंह हम अंदर आ गए हैं। पहली बार ऐसा फील हुआ ना मैडम सर कि जैसे के साथ एकदम तैसा हुआ है, इंसाफ मिला है एक उम्रत राज दुखियारी औरत को, मन को ना एकदम शांति मिल गया मैडम सर, एकदम आत्मा हमारी तृप्त हो गई। आप ठीक कह रही हैं करिश्मा सिंह, काश हमारे देश का हर बुजुर्ग इतने ही चैन और सुकून से जी पाता, पर अफसोस कुछ मतलबी लोगों की वजह से ऐसा हो नहीं सकता। याद आया, रसगुल्ला किसने दिया था, याद आया, याद आया। खैर फिलहाल हमें फोकस करना है सावित्री जी पर और इस मकसद को आगे बढ़ाना है। हमारा मकसद है सावित्री जी के बेटा और बहू के दिल में अपनी माँ के लिए फिर से वो प्यार और इज्जत जगाना, जो कि हमें लगता है कि कुछ हद तक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये घर अब भी अजय के नाम है और वो कभी भी सावित्री जी को अपने घर से बाहर निकाल सकता है। मैडम सर जब शुरुआत इतना अच्छा हुआ है ना तो अंजाम भी बहुत अच्छा होगा। अच्छा नीयत वालों के साथ ना
भगवान एकदम साथ चलता है, उनका आशीर्वाद हमेशा साथ होता है। आप देखिएगा आगे भी बहुत अच्छा होगा। याद आया हमने आप दोनों तो पुलिस हो। छोटू, ए छोटू, 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 ए छोटू, माँ, छोटू, छोटू, छोटू याद आया, वो पुलिस है। पुलिस कौन? वो दोनों अंदर, मुझे याद आया। आओ आओ आओ, मैं दिखा दियो, आओ आओ देखो। क्या कह रही थी अम्मा, ये दोनों पुलिस हैं? कौन पुलिस? अरे अम्मा, आप ही तो कह रही थी कि ये लोग पुलिस हैं। हाँ पुलिस है, लेकिन मैं नहीं, यो पुलिस है। मैं और छुटकी तो चोर बनते थे, घड़ों मजे किए हैं बचपन में, और यो पुलिस बनकर ना हमको पकड़ती थी। चलो कुछ तो याद है छुटकी को। या अम्मा तुम भी, मेरा मतलब चलो चलो आपको याद आ गया ना, अब ठीक है। लेकिन अब रात बहुत हो गई है तो भी सोते हैं, बाकी बातें कल। ठीक है, जा आओ अम्मा। जा छुटकी सो जा, जा जा आराम से सोना। हाँ बाल बाल बच गए। सही में मैडम सर, अम्मा अरे नहीं, हम तुमसे यही बोलना, ऐसे ही फोन कर लिए थे हम। हाँ हम तुमसे एक बात बोलना चाह रहे थे, बात ये बोलना चाह रहे थे कि तुम ना बहुत ही ज्यादा प्यारी हो और आई लव यू। क्या बात कर रही हो अम्मा, तुमको मालूम है ना कि हम नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं हम, नहीं पीते हैं। अरे फिर तुम बोल, पैसा काहे चाहिए होगा हमको, बच्चा जैसे काहे बतियाती हो अम्मा, सब ठीक है ना। मैं ऐसे ही तुमको आई लव यू बोलने के लिए फोन किए थे। गाली काहे दे अम्मा। अम्मा हेलो माँ, नहीं ऐसे याद आ रही थी इसलिए फोन की। हाँ वो नहीं, मैं शॉपिंग नहीं कर रही, सैलरी नहीं आ रही, शॉपिंग कहाँ से करूँगी मैं। एक्चुअली वो कल के लिए सॉरी बोलना था, वो शादी की बात पर भड़क गई थी ना, अब कभी नहीं भड़कूंगी पक्का। नहीं बस शादी नहीं करनी अभी मुझे, बस शादी की बात पर भड़कूंगी कभी नहीं मैं। आई लव यू। अम्मी क्या कर माँ? अम्मी माँ, अम्मी हम कह रहे माँ, माँ की बात तो सुनने दे माँ की। तेरा कौन पे जाऊंगा। अम्मी हम कह रहे थे माँ। अच्छा अम्मी हम घर ही आते हैं माँ, आज नेटवर्क नहीं माँ। अरे अरे ये क्या चल रहा है सबका। पुष्पा जी मैं बताता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। तो बिल्लू द स्पाई, अजय को कल अपने माँ से बात करते हुए सबने देख लिया तो उनको महसूस हुआ कि हम भी अपनी अपनी माँ को फोन कर ले, तो वही चल रहा है। अरे रे, तुम्हें क्या हुआ बिल्लू, तुम क्यों गंगा जमना बहा रहे हो। पुष्पा जी अपनी माँ का बहुत बुरा बेटा हूँ, मतलब उस अजय से बुरा नहीं हूँ पर हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हें इस बात का एहसास तो हुआ। हाँ मगर एक बात बताओ, तुम्हें भी ऐसा क्यों लगता है कि तुम बुरे बेटे हो। चोरी करते वक्त मेरी माँ का कभी फोन नहीं उठाया, जब मुझे लगा कि माँ को फोन करना चाहिए तो मैंने अपनी माँ को फोन किया, मेरे फोन उठा दे माँ जेल चली गई। माँ क्या जेल चली गई, ये तुम क्या कह रहे हो। सच कह रहा हूँ। नहीं नहीं तुम इतने भी बड़े चोर कहाँ हो कि तुम्हारा कोई फोन उठाए और जेल चला जाए। नहीं पुष्पा जी, जैसे मैंने फोन किया
माँ मेरी बैंक लूट रही थी। क्या बिल्लू जी, आप तो सच में खानदानी चोर हो। Of course, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं तो स्पाई। मेरी माँ ने मेरा फोन उठाया, मुझसे बातें करती रही, तभी पुलिस ने आकर उसको गिरफ्तार करके जेल ले गई मेरी माँ। हाँ 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 बिल्लू बेटा, ऐसे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। अरे वाह, हमें तो आज ही पता चला कि हमारे ये गोलू मोलू टकलू बिल्लू इतना भावुक भी है। चलो भगवान का शुक्र है, तुम लोगों को अपनी माँ की अहमियत का एहसास तो हुआ। और एक हमारा लल्ला है, बाहर गांव गया है मगर अपनी अम्मा को फोन करके एक बार हालचाल तक नहीं पूछा। वो तो माँ पे भी डिपेंड करता है, अपनी बेटी को रखती कैसे। हाँ उफ, ये मासूमियत संतु जी। मगर अपनी बीवी से तो रोज बतियाता होगा ना। पुष्पा जी बेटा काम में बिजी रहा होगा इसलिए फोन नहीं किया, फ्री होगा तो फोन कर लेगा। हर कोई लल्ला उस अजय जैसा छल्ला नहीं होता। हाँ बिल्लू, हमें भी पहले ऐसे ही लगता था कि हमारा लल्ला वैसा नहीं है। मगर ये सावित्री के साथ जो कुछ भी हुआ ना, उसे देखकर हमें पक्का यकीन हो गया है कि दुनिया के सारे लल्ला ना एक समय के बाद अपनी माँ को अकेला छोड़ ही देते हैं। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। पुष्पा जी आप वृद्धाश्रम जाने का सोच रही हैं? बेचारी वहां के बुजुर्ग। हाँ उफ, खैर वो सब छोड़ो चीते, सुनो तुम ना हमारे लिए वो एडवांस बुकिंग करा देना वहां पे वृद्धाश्रम में, हम तुमको पैसे दे देंगे। वैसे भी हमने तय कर लिया है कि हम थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट लेंगे, हमने हमारी एफडी भी तुड़वा ली है इसके चक्कर में। पुष्पा जी आपको ज्यादा ही जज्बाती हो रही है। हाँ पुष्पा जी, इसीलिए कहता हूँ कि आप ये ओल्ड एज पॉलिसी ले लीजिए, ये रहा फॉर्म और यहाँ पे साइन कर दीजिए, बाकी फॉर्म मैं भर दूंगा। कहाँ कहाँ छुपा के रखते हो तुम ये फॉर्म? हाँ कभी भी जरूरत लग सकती है ना इसीलिए। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी आपने थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए। क्या है ना कि पगिया में हर एक फूल ना मैला नहीं होता, हर एक प्लास्टिक का बैग थैला नहीं होता और हर एक जयवर्धन महिला नहीं होता, जस्ट लाइक दैट। नहीं नहीं नहीं, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना एकदम सही कर रहे हैं। हाँ पता नहीं कब हमारे जिगर का लल्ला बाहुबली का भल्ला बन जाए। हाँ कोई नहीं बता सकता। अरे लेकिन पुष्पा जी क्या है कि... और वैसे भी चीते तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? करिश्मा मैडम ने तुम्हें वकील बनकर सावित्री के घर में बुलाया ना। अरे हाँ लीजिए माँ जी, और पुड़िया लाऊं माँ जी। वाह छोटी कुछ भी बोलो, तारी बहू खाना घना स्वादिष्ट बनाए, मजा आ गया, आत्मा तृप्त हो गया हमारी। अरे बस कितना पूड़िया खिलाओगी अम्मा को? अम्मा बस, नहीं तो बदहजमी हो जाएगी। खान दे गांव की मिट्टी है सब पचा लेगी। बोल सकती हो ये गांव की मिट्टी में छोरे? सच कहना, थारे से मिलके थारे परिवार से मिलके अब हमको संतुष्टि हो गई है कि तू खुश है। बस अब जल्दी से सब कुछ थारे नाम करे और हम जाए अपनी यात्रा पे सिंगापुर। है चट्टी सिंगापुर? सिंगापुर शनि सिंगापुर की बात कर रही होंगी मासी जी, है ना मासी? रे बावड़ी पूछ, सिंगापुर बोलिए जीजी। ये बाल काले थे। काले थे बाल मारे काले थे, लेकिन 20 साल पहले बचपन में। बचपन में देखा था ना, बुढ़ापे में ना देखा तो कंफ्यूज हो जाती है छोटी। अरे कौन है अम्मा? गुड मॉर्निंग हैव अ गुड डे। जय हिंद। क्या है ना कि हम देशभक्त बहुत बड़े हैं, तो हमारी देशभक्ति कहीं भी कैसे भी निकल आती है। आप भी बोला कीजिए भारत माता की जय।
जी या घबराओना घबराओना, ये हमारे वकील साहब हाँ। वो कागज जायदाद के साइन करने के लिए है ना, ला दे पेपर दे। वकील साहब है। पेपर जल्दी कर। मेरा नाम शशि भूषण शाही है। हम शादी वादी झगड़ा फसाद मैयत मटका सब कुछ करवाते हैं। अब मैयत की सामग्री के लिए भी हमारी एक दुकान है, हम आपको कार्ड दे रहे हैं। रे छोटी चल जरा बात करनी। क्या हुआ जीजी? वो अम्मा बाबूजी ने क्या कहा था? के क्या था? कोई भी बड़ा काम करने से पहले माँ बाबूजी का आशीर्वाद लेना जरूरी है। हाँ हाँ, क्या था क्या था? चला आशीर्वाद लेकर आए। करिश्मा सिंह, ये सब क्या है? देखिए, हम मानते हैं कि हमारा मकसद उन दोनों की लालच का फायदा उठाकर घर सावित्री जी के नाम करना है, लेकिन फिर भी इस सब के लिए हम रजामंद नहीं है। नहीं नहीं मैडम सर, आप देखिए, ये शुरुआती पेपर्स जो है ना, ये हमारे घर के नकली वसीयत है, जिसकी आड़ में हम उससे असली पेपर पर सिग्नेचर ले लेंगे और घर हो जाएगा सावित्री जी के नाम। हमको तो यही अल्टीमेट सोल्यूशन नजर आ रहा है मैडम सर। करिश्मा सिंह, वो बात हम ये पेपर्स देखते ही समझ गए थे, लेकिन ये हमारा फाइनल मकसद नहीं है। देखिए, घर के साथ साथ हम चाहते हैं कि बेटा और बहू दोनों के मन में अपनी माँ के लिए फिर से प्यार जागे। आपको क्या लगता है, ऐसा करने से वो दोनों अपनी माँ की इज्जत करना सीख जाएंगे? इज्जत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि अजय अपनी मर्जी से अपनी माँ के नाम ये घर कर रहा है, और माँ जब तक जीवित है ये घर उन्हीं के नाम रहेगा। और गलती से अजय या उसकी वाइफ ने अपनी माँ को घर से बेघर करने का या फिर वृद्धाश्रम भेजने का बात भी किया ना, तो उनकी माँ उन पर केस कर सकती है। अब आप ये देखिएगा मैडम सर, कैसे ये दौलत के पुजारी ना मंदिर का घंटा लेके सावित्री जी की पूजा करते हैं। क्या ना, मैं बस टाइम नहीं है। हाँ भाई, मिल गया माँ बाबूजी का आशीर्वाद, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम से। कैसी प्रॉब्लम? यो के हुआ, जब हम अम्मा बाबूजी से डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे मन में एक बात आई। सावित्री की तबीयत खराब हो गई आजकल। अब हमारी अरबों करोड़ों की प्रॉपर्टी, उसका ध्यान कौन रखे अच्छे से? कोई काबिल इंसान होना चाहिए ना। तो मन ने सोचा कि सावित्री की जगह क्यों ना तुम साइन कर दो। मैडम जी देखिए, जो कुछ भी करना है, जिसका भी सिग्नेचर लेना है, आप थोड़ा सा जल्दी लीजिए, क्योंकि हमारे पास सब कुछ खाली टाइम नहीं है हमारे पास। ठंड रख वकील। अब देखो भाई, तुम ठहरे जवान खून, इस उम्र में कहाँ छोटी सब कुछ संभालते बैठेगी। तो लाओ कर दो साइन, फिर करोगे ना, कोई दिक्कत तो ना है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन कर देंगे। ये बात है छोरे, ये बात मारा दिल खुश कर दिया, और जल्दी साइन कर दे। पेन लो ये। अरे यार, पैसों के चक्कर में अलग अलग प्रोफेशन ले लो। चलो भाई, जल्दी जल्दी साइन करो, क्या है कि सब कुछ है हमारे पास, बस हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, वक्त ही नहीं है। गुड बॉय। अरे भाई, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? इससे जल्दी तो सावित्री साइन कर दियो। अरे छोटी साइन कर, बस मैं बहुत जल्दी जल्दी साइन कर रहा हूँ। इधर गुड बॉय। हो गया। हमने कहा था ना, ये पुलिस है। ये क्या है? पुलिस। हाँ, हम पुलिस हैं। ये पकड़ो तुम अपने अरबों और करोड़ों की प्रॉपर्टी, और ये रहे घर के पेपर्स जो हुए सावित्री जी के नाम। ये अच्छा,
तो अम्मा सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। वाह माँ जी वाह, क्या चाल चली है आपने। इस मकान को हड़पने के लिए आपने अपने ही बेटे को धोखा दे दिया। एंग्री यंग मैन, खबरदार अगर अम्मा को हाथ भी लगाया तो तुमने, और ज्यादा चौधरी बनने का हमारे सामने जरूरत नहीं है। हाथ छोड़। क्यों छोड़ेंगे हम हाथ, हमारी अम्मा है, नहीं छोड़ेंगे। उस दिन तुमको ट्रेलर दिखाए थे, इस बार पूरी पिक्चर दिखा देंगे, समझ गए तुम। हाथ छोड़ छोटू, हाथ दुख रहा है, छोड़। रीता चतुर्वेदी, सावित्री जी को ले जाओ। ए बाबू, चलो हाथ छोड़ो, पीछे हटो, हटो पीछे। छोटू हमारा हाथ दुख रहा है, छोड़ दो बेटा। मुंह का बोला बात तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठता है ना, हाथ छोड़। करिश्मा सिंह, आप क्या कर रही है, होश में आइए। दोस्त कहीं और जमाइएगा। करिश्मा सिंह छोड़िए, हाँ छोड़ो, छोड़िए, 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 छोड